एक बड़ी खबर आपको बता देना चाहती हूं। टेरर फंडिंग मामले में गिरफ्तार पीएफआई के 14 आरोपियों को एनआईए की टीम पटियाला हाउस कोर्ट लेकर पहुंची है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। दिल्ली में पीएफआई के 14 आरोपियों की पेशी हो रही है पटियाला हाउस कोर्ट में, एक के बाद एक जानकारी। और देखिए, मैंने 13 राज्यों का जिक्र किया है, अभी दिल्ली की ये बड़ी खबर आ रही है जहां टेरर फंडिंग के आरोप में एनआईए की टीम ने पटियाला हाउस कोर्ट में आरोपियों की पेशी की है। मेरे सहयोगी इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब एनआईए के अधिकारी पीएफआई के उन गिरफ्तार सदस्यों को पटियाला हाउस कोर्ट लेकर पहुंची है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, पटियाला हाउस कोर्ट के प्रमाइसिस की तस्वीरें हैं जहां पर पीएफआई के सदस्यों को पटियाला हाउस कोर्ट ले जाती एनआईए की टीम और पुलिस नजर आ रही है। टेरर फंडिंग के आरोप में ये गिरफ्तारी हुई है और ये मामला तब सामने आया था जब फुलवारी शरीफ में डिफेंस ट्रेनिंग की आड़ में आतंकी ट्रेनिंग देने का आरोप लगा था और उसके बाद से ही लगातार एनआईए की नजर, इंटेलिजेंस यूनिट की नजर पीएफआई पर बनी हुई थी। हालांकि वो आखिरी मामला नहीं है, उससे पहले भी लगातार ऐसे मामले सामने आते रहे हैं जहां पर पीएफआई का कनेक्शन साफ तौर पर, लिंक साफ तौर पर दिखाई दिया है। वरुण मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करते हैं। वरुण, क्या डिटेल पटियाला हाउस कोर्ट से इस वक्त? देखिए बिल्कुल, मैं पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर ही मौजूद हूँ। एनआईए की टीम अभी अभी यहाँ पर जो पीएफआई के 14 जो आरोपी है उनको लेकर यहाँ पर कोर्ट पहुँची है। एनआईए की कोर्ट में उनको पेश किया गया है। हालांकि मामला बेहद सेंसिटिव होने के चलते किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन जो देश भर में आज जिस तरीके से एक दर्जन शहरों के अंदर 100 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उन्हीं गिरफ्तारियों में से 14 आरोपियों को लेकर एनआईए की टीम पटियाला हाउस कोर्ट पहुंची है और अब उन्हें कोर्ट के सामने पेश किया जा रहा है। अब देखना होगा आगे जो एनआईए है किस तरीके से अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाती है, रिमांड मांगती है, कितने दिन की रिमांड जो है वो कोर्ट की तरफ से मिलती है, किस तरह के जो आर्ग्यूमेंट्स है, जो दलीलें हैं वो एनआईए के जो वकील है उनकी तरफ से रखी जाएगी। लेकिन जिस तरीके से आज पूरे देश के अंदर एनआईए ने ईडी के साथ मिलकर छापेमारी करी, एक दर्जन शहरों में करीब 106 लोगों की गिरफ्तारी हुई टेरर फंडिंग को लेकर, उसी को लेकर बेहद अहम डेवलपमेंट यही है कि एनआईए की कोर्ट में 14 आरोपियों को लेकर जो एनआईए की टीम है वो पहुंच गई है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तरफ से क्या फैसला आता है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। वरुण, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।